अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पड़ गया क्या? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। ये हमसे बड़ा भक्त तो कौन पैदा हो गया भाई? चलो, भक्ति में प्रतिस्पर्धा बुरा नहीं है। पूजा पाठ में भी हार जीत। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ सदा शिव। क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? पागल हो गए हो क्या सबके सब? क्या तमाशा ये? हाँ, इस सुबह सुबह किस बात की नौटंकी है? हम भी तो वही। अरे भाग्य मनाइए कि इतने वर्षों के बाद ना भगवान का गीत से उठे हैं आप, नहीं तो रोज सुबह चिक 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 चिक। अरे चिक चिक किसको बोला तुमने? दिन का शुरुआत मिठास के साथ लीजिए। अब कल से ना सब कुछ बदलने वाला है। अब पगला गई हो, इक्का कर रही हो। अरे दीदी तुम भी खाओ ना, माइंड काय कर रही हो? बंद करो अपनी ये बकवास। और ये क्या हाल बना के रखा है इस घर का? ये लिविंग रूम की हालत देखिए, हर जगह पर सामान बिखरा हुआ है। घर है ये, मुसाफिर खाना नहीं है। यही बात हम भी कल से बोल रहे हैं। बड़े घर में रहने के ख्वाब देखने से या फिर यहाँ पर जबरदस्ती घुसने से नहीं होता, बड़े घर में रहने के सलीके भी आने चाहिए। बड़ा घर में रहने का आदत हमारा नया नहीं है बाबू, आप भूल गए हैं, हम इसी घर से गए थे। खैर कोई बात नहीं, जो 7 बरस का जो करवाहट है ना, प्रसाद का एक और लड्डू से तो जाने वाला नहीं है, समय लगेगा। एक काम करते हैं हम, सुबह ना रोज आपको ना प्रसाद का एक और लड्डू खिलाएंगे ना, तो ये करवाहट भी निकल जाएगा। तुम ना अपनी ये बकवास करना बंद करो और ये चिड़ियाघर को ना जल्दी से साफ करो। वाओ हीरो अंकल, क्या चिड़ियाघर ऐसे ही होता है? देखो ये सुबह सुबह पूजा पाठ की नौटंकी करने की जगह पर ये सारा सामान अगर कमरे में रख दिया होता ना तो बेहतर होता। हाँ तो बता दीजिए ना कि कौन सा कमरा में जाके रख दे हम। कैद की एगो में तो आप और आपकी की है, एगो में खुशबू मौसी और एगो में खुशबू मौसी का व्यायामशाला, एगो में अपने अवधेश बाबू और उनकी पत्नी, एगो बड़का बाबू का और एगो जो पुराना संजीव बाबू का कमरा था उसको तो आप लोग स्टोर रूम बना दिए। तो जब जगह नहीं है यहाँ पे तो आई क्यों? चली जाओ ना यहाँ से। हम कमरा नहीं, अपना हक लेने आए हैं। कमरा मिले ना मिले, हक तो मिल ही जाएगा।
ये हमको पूरा विश्वास। बाकी चंदेल भवन बहुत ही बड़ा है और जगह का कोनो कमी नहीं है। और देख रहे हैं हम वैसे कि चंदेल भवन के लोगों के दिल में जगह थोड़ा कम हो गया है। वैसे ही हाल में हम रह लेंगे, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ तो हवा भी बहुत बहुत मजेदार आता है ना बड़का बाबू? हाँ बिल्कुल, जो भी हो लेकिन यहाँ हाल में नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, सोने में बहुत मजा आया हमको भी। एक ही करवट में सुबह हो गई, मजा आ गया ना? चिंता मत करो, जिस दिन तुम सबको हॉल से तबाह कर देंगे ना, और भी ज्यादा मजा आएगा। कमरा तक पहुंच नहीं पाओगी कुहिया रानी। पापा पापा, हमको बहुत मजा आया, खूब मस्ती की हमने। एक मिनट, ये रात को यहाँ सोई थी? रात को तो हमारे साथ एक कमरा में सोई थी, बीच में उठ के निकल गई होगी कभी। ये है तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास? आंसिनी बोलो, तुम्हारी खुद की बच्ची कमरे से निकल कर कहीं और जाकर सो जाती है और तुमको खबर तक नहीं है? एक तमाशा के बीच किस किस पर नजर रखे? आपने तो कहा कि घर चिड़िया घर बन गया है, जैसे कोई मेला हो। अब भीड़ लगी है हर तरफ। ये भीड़ नहीं, तुम्हारे सगे रिश्तेदार है, हम इस घर की बहू, तुम्हारी बहन, अरे तुम्हारी माई। हमसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कोई नहीं हो हमारे, ये हमारा घर है और हम यहाँ की बहू। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पैदा करने वाली माँ भी जब सगी नहीं लगती तुम्हें, तो पैदा की हुई बेटी से कैसे रिश्ता निभाओगे? हाँ अरी, जिसे पति मानते हो उसे भी कोई रिश्ता है कि नहीं? ये रिश्ता का है का नहीं तुमसे नहीं जानना हमको। कोयल की नानी आपकी अम्मा है क्या? हम कोयल की भी नानी है और तुम्हारी भी, और जैसे ये अपनी अम्मा के साथ चिक चिक करती है ना, वैसे तुम भी इनके साथ चिक चिक। गलत बातें बच्ची को सिखा रहे हैं ये लोग, बच्ची को बर्बाद करने आए हैं, हमारा घर हमारी फैमिली को तोड़ने आए हैं, सुख चैन छीनने आए हैं। देख रहे हैं ना आप, देखिए पहचानिए इनको। और ये कैसी माई, अपने आप को हमारी माई कहती है और हमारा घर तबाह करने पे तुली है। लानत है ऐसी माई पे, लानत है, लानत है। राजीव जी तो हमारे पीछे भी नहीं आए, लानत है। हंसु हंसु हंसु, ये क्या हो रहा है? देखते देखते यहाँ फालतू होते जा रहे हैं हम। देखा जाए तो काम की कभी थी भी नहीं तुम, हमारा मतलब है इन लोगों ने कभी खास समझा भी नहीं ना तुमको। तुमको क्या, हमको भी नहीं समझा। सोनी का बस चले ना तो यू एंड आई दोनों का पोनीटेल पकड़ के घर से थ्रो आउट कर देगा। घर पे क्या सकते हैं भाई को, इस घर के ऐशो आराम का बैड हैबिट हो गया है। तो भाई को ऐसा लगता है अगर 2 दिन भी इस घर से बाहर गई ना, भाई की डेथ हो जाएगी। करो हंसू, हाँ, जिससे कि कोई हमें इस घर से निकाल ना पाए, या फिर कुछ ऐसा कि मुसीबत दफा हो यहाँ से। तो आप भी थोड़ा हाथ पांव चलाओ, दिमाग का यूज करो, बस कामती कलमती रहोगी दिन भर। बाबा समझा दीजिए इन लोगों को, ये घर बड़ी मेहनत और शान से बना है, तो कृपया करके इसको कबाड़ी की दुकान ना बनाए। ये कबाड़ से हट जाना चाहिए, इस लिविंग रूम में कोई तंबू नहीं गड़ेगा। और वैसे भी 2 दिनों की बात है, आज वकील से मिलने जा रहे हैं, कल तक तलाक के कागजात तैयार हो जाएंगे, परसों कोर्ट में जमा भी कर देंगे, कोर्ट से ऑर्डर भी जल्दी लेके आ जाएंगे। इस घर से निकलने की तैयारी भी कर लो।
अब हमारे राजे बाबू हमसे तलाक लेंगे। इनकी आंखों पर नफरत का एक कैसा पर्दा पड़ गया भगवान। तुम कितनी भी कोशिश कर लो राजे, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।